निगम के पार्षद व महापौर का कार्यकाल हुआ खत्म। कार्यों की देखभाल करने के लिए जिला स्तरीय टीम किया जा रहा है नामित। जनता का नहीं रुकेगा काम, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आयुक्त न्यायालय पहुंचकर किया नामांकन। कहा, स्नातक पास युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में मार्ग प्रशस्त करना है उनकी पहली प्राथमिकता। लूट की घटना कारित करने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों मार्कंडे निषाद और राहुल कुमार विश्वकर्मा को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 7200 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर 17,65,000 रुपया हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 4 अभियुक्तों जगन निषाद, रमेश निषाद, विजय निषाद व सत्यम निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 4थे दिन 5 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में किया नामांकन। 2 ने लिया पर्चा। अभी तक 31 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगी नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 55,000 जरूरतमंदों में किया जा चुका है कंबल का वितरण। 400 जगह पर जल रहा है अलाव, प्रतिदिन लिया जाता है रिपोर्ट, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। रेते स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास 2 मंजिले मकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, नहीं हुई कोई जनहानि, आग लगने के कारण की कराई जा रही है जांच। कारित करने के लिए अपहरण करने के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। ग्यारह जनवरी से चंपा देवी पार्क में शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने लिया जायजा। कहा, सभी तैयारियां हैं पूरी। महोत्सव में लोकल कलाकारों को दिया जा रहा है मंच। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर चोर मनीष यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिस कर्मियों का लगाया गया है ड्यूटी। प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा गया नामांकन कक्ष तक, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। और लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस नजर आ रहे हैं काफी परेशान। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक रहेगा घना कोहरा और शीतलहर।